हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नवीस गार्डन में। दोस्तों, बारिश का मौसम आने वाला है और इससे पहले हम अपने पौधों में क्या क्या काम कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी काम क्या है दोस्तों, वो है पौधों की प्रूनिंग। हम पौधों की प्रूनिंग किस तरीके से करें और कहाँ से पौधों को कट करें, कौन कौन से पौधों को हम कट कर सकते हैं इससे पहले अपने गार्डन में, और क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। फ्रेंड्स, ये गुलाब का पौधा है जिसका अब मौसम बिल्कुल चला गया है, क्योंकि जून के महीने में गुलाब नहीं लगते हैं दोस्तों, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस टाइम पर अब पत्तियाँ देखिए बिल्कुल झुलस चुकी हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे यहाँ का, 48 के आसपास है। तो इस टाइम पर अब बारिश आने वाली, उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी प्रूनिंग कर देंगे दोस्तों। इसकी टिप्स बिल्कुल कट कर देंगे, जहाँ जहाँ से जो टिप्स जल चुकी हैं उनको हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर फुटाव स्टार्ट है, छोटे छोटे से आप इसके अंदर से स्प्राउट्स निकलते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकल रहे हैं दोस्तों। तो अब इसमें फुटाव हो रहा है, नया फुटाव होगा जब इसके ऊपर दो चार बूंदें लग जाएंगी बारिश की, तो इसमें बिल्कुल हरियाली हो जाएगी दोस्तों, ये पूरा हरा भरा हो जाएगा और ये अलग अलग जगह से फूटेगा। इससे अच्छा अब आप जिस शेप में इसको रखना चाहते हैं या फिर जितनी आईटी इसकी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको प्रून कर लें और इसकी जो टिप्स हैं उनको इस तरीके से कट करें। स्टार्टिंग की जो टिप्स होती है दोस्तों, इसको वहाँ से हटा दें, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सारी टिप्स को काट दें, टोटली जितनी भी टिप्स हैं सभी को थोड़ा थोड़ा करके सभी को कट कर दें। इससे क्या होगा, इससे साइडों से इसके अंदर से और भी ज़्यादा गहरी टहनियाँ निकल कर आएंगी और जब उनके ऊपर गुलाब आएंगे दोस्तों, तो वो पूरा पौधा गुलाबों से भर जाएगा। दूसरा, इस टाइम पर आप जो है इसके अंदर फर्टिलाइज़र की अगर बात करें दोस्तों, तो फर्टिलाइज़र न दें अभी, बारिश के बाद दे देंगे हम फर्टिलाइज़र को, क्योंकि अभी बारिश आएगी तो पानी के साथ सारा फर्टिलाइज़र बाहर भी निकल सकता है, इसलिए अभी फर्टिलाइज़र को रोक लें आप। अभी इसकी प्रूनिंग करें, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ प्रूनिंग की ज़रूरत है। दूसरा, इसके ऊपर अभी कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करें इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो स्प्रे वेस्ट जाएगा, क्योंकि बारिश होने पर स्प्रे का असर नहीं होने वाला है। तो सिर्फ प्रून करके रखें आप अपने सभी पौधों को, जो प्रूनिंग कर सकते हैं, जिन पौधों की हम प्रूनिंग कर सकते हैं उनको, अब सबसे बेस्ट टाइम है प्रूनिंग करने का, ये इस टाइम पर आप प्रून कर दें। और इस तरीके की कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं गुलाब की या फिर किसी और पौधे की, जिनकी भी आप कटिंग लगाना चाहते हैं, तो बारिश का समय स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आप ये कटिंग्स लगा सकते हैं। इस टाइम पर आप इतनी सी कोई भी कटिंग लेकर के उसको नॉर्मल सोयल के अंदर भी अगर लगा देंगे, तब भी जो है वो कटिंग आसानी से चल जाएगी दोस्तों, क्योंकि इन दिनों के अंदर जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है हवा के अंदर और प्रेशर जो है एयर का वो बन जाता है, जिससे कटिंग आसानी से फूट जाती है और उनमें जड़ें निकल जाती हैं और पौधा बन जाता है दोस्तों। दूसरा, ये मेरा क्रिस्थेमम का प्लांट है, गुलदावदी का पौधा है, इसको मैंने बचा करके रखा हुआ गर्मी से। दोस्तों, आप किस तरीके से बचा सकते हैं गुलदावदी को, जो सर्दियों का पौधा है, सर्दियों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बंच के अंदर फूल आते हैं दोस्तों, आप इसको किसी सेमी शेड के अंदर या फिर ग्रीन नेट के अंदर रख दीजिए ताकि ये बचा रहे। अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आप इसको रखेंगे तो ये जल जाएगा दोस्तों। और इस टाइम पर इसकी भी प्रूनिंग कर दें, और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग भी लगा दें। सितंबर अक्टूबर के बाद इसके अंदर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, इस टाइम पर आप इसकी सारे की कटिंग कर दें। इसके ऊपर से जो ये डेड फ्लावर आकर के जा चुके थे, इनको मैं हटा देता हूँ, और बारिश के बाद इसके ऊपर अच्छा खासा स्प्रे भी कर दें ताकि इसके ऊपर मिलीबग्स जो भी आए हों वो हट जाएँ सारे के सारे। बारिश में लगभग कम ही हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्प्रे करने से वो टोटली हट जाएंगे। और इसकी प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि साइडों से पूरा गमला जो है आपका भर जाएगा। सिर्फ इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इनडायरेक्ट रखें थोड़ा सा, ताकि ये बचा रहे। डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो ये जल जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका पौधा और नहीं बचेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं जो पौधे जलने वाले हैं या छाया के जो पौधे हैं। दूसरा, ये देखिए, एक गुलाब मैंने इसमें लगाया हुआ था, अब बारिश हुई तो इसके अंदर पूरा ये टब जो है वो भर गया था पानी से, और मिट्टी ज़्यादा ही कुछ गिल्ली हो गई, जिस वजह से इसने अपनी सारी पत्तियों को सुखा दिया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसे ही भरा रहा पानी से या मिट्टी गिली रही तो ये मर भी सकता है गुलाब। तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ, दो तीन दिन तक वेट करता हूँ, अगर इसका पानी थोड़ा सा सूख जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको निकालना पड़ेगा मेरे को, किसी और गमले में लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में, ये भी आप ध्यान रखें कि जिन गमलों के अंदर ज़्यादा समय तक पानी भर के खड़ा हो जाता है उसमें पानी न रुकने दें। उस पानी को आप डब्बे की सहायता से या फिर गमले को टेढ़ा करके उस पानी को निकाल दें, ताकि रूट रोट की प्रॉब्लम ना हो, सड़े नहीं कोई भी जड़ें और पौधा मरे नहीं।
एक ये पौधा दोस्तों, इसका नाम तो मैं भूल गया हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन जब याद आएगा तो बताऊँगा आपको। इसकी भी अब बेस्ट टाइम है प्रूनिंग करने का। इसके ऊपर रेड कलर के छोटे छोटे से बंच में फ्लावर आते हैं, लंबी लंबी सी शेप होती है उनकी। तो इसको मैं बुशी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए इसकी सारी टिप्स जो है मैं अब कट कर दूँगा। ये साइडों से छोटी छोटी इसके अंदर भी अब फुटाव स्टार्ट हो चुका है। ये टाइम ऐसा है दोस्तों, जो मॉनसून का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पौधों की ग्रोथ के लिए। इस टाइम पर पौधे जो है फुल ग्रोथ करते हैं, क्योंकि सर्दियां ख़त्म होती है उस टाइम पर, डोरमेंसी में होते हैं, उसके बाद फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब बारिश का टाइम जो होगा दोस्तों, ये 3-4 महीने जो हैं इनमें पौधों की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। इस टाइम पर इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होगी, खाना भी चाहिए पौधों को। तो खाना अगर हम अभी दे देंगे तो बारिश के साथ निकल जाएगा। जैसे ही तेज़ बारिश होकर के बंद हो जाती हैं, 2-4 बारिशें ख़त्म हो जाती है, मानसून का सीज़न जाने को होता है, उस टाइम पर हम फर्टिलाइज़र दे करके छोड़ देंगे, फिर वो सर्दियों तक चलेगा दोस्तों। सर्दियों में भी उसकी पूरी रिक्वायरमेंट जो है पौधे की वो पूरी करता रहेगा। दूसरा, ये देखिए एक गुड़हल का पौधा था, ये थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर गया और इसने सारी पत्तियाँ गिरा दी। मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ था, हमारे यहाँ का 48 टेम्परेचर चला गया था, जिस वजह से ये इतना जलूस गया है। लेकिन अभी इसके अंदर भी जो है दोबारा से पत्ते निकल करके आएंगे और फ्लावरिंग होगी दोस्तों। ये येलो कलर का ड्वार्फ वैरायटी वाला गुड़हल है, अभी इसकी मैं प्रूनिंग कर देता हूँ। हर साल इसके साथ ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही पूरे टेम्परेचर में पत्तियाँ गिरा देता है, उसके बाद फिर से इसके अंदर जो है स्प्राउट्स निकल जाते हैं। तो इस टाइम पर मैंने अपने सभी पौधों की प्रूनिंग कर रखी है। अब बारिश में अच्छे अच्छे इनके अंदर जो है शेप्स आ जाएंगी और अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।